क्वेश्चन फाइव में हमें सब क्वेश्चन ए देखिए क्या दिया है, प्रॉब्लम्स है अभी सभी। तो देखिए पहला क्या प्रॉब्लम दिया है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट भी दी है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। तो वैल्यू ऑफ जी निकालना है, हमें टाइम भी दिया है हाइट भी दिया है, तो हम देखते क्या क्या दिया है। अभी देखिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टेक्स टू रीच ग्राउंड, तो यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ क्या है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और वो बढ़ते बढ़ते और नीचे नीचे इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। एच इज इक्वल टू हमें दिया है 5 मीटर दे चुके हैं, और टी इज इक्वल टू 5 सेकंड भी दे चुके हैं ऑलरेडी, और हमें क्या करना है जी का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमें पता है ऑलरेडी, क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ ए की जगह हम क्या करते हैं जी का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू जी लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी बस वैल्यू करना है, अभी जी का वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट करिए, एस का वैल्यू मतलब डिस्टेंस का वैल्यू कितना है हमारा 5 मीटर है, यू यू क्या है यहाँ जीरो है, तो जीरो इंटू टी आ जाएगा प्लस हाफ, यहाँ ए मतलब क्या है जी है, ठीक है, और टी टी को ऑलरेडी दे चुके हैं 5 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा 5 0 × 2 मतलब जीरो आ जाएगा, अभी हाफ इंटू जीरो यहाँ क्या है 5 स्क्वायर मतलब क्या आएगा 25 डिवाइड बाई 2 × g आ जाएगा, तो g का वैल्यू कैसे करेंगे, ये 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा डिवाइड में 25 आएगा, तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे 25 × 0 लगाएंगे तो 25 × 24 मतलब 0.4 मीटर सेकंड स्क्वायर, जी का यूनिट क्या रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन ही रहता है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या आ जाएगा ऑन द प्लैनेट 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड बी सब क्वेश्चन क्या दिया है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ए इज हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, तो हाफ दिया है हमें रेडियस ऑफ, उसके बाद इफ मास ऑफ ए इज एम ए, उन्होंने ऑलरेडी बताया ए का मास एम ए है, What must be the mass of B so that value of G on B is half that of its value of A? तो value of G क्या रहनी चाहिए on B object के लिए, of mass object के लिए, such that half of that of value of A, half of that of value of A निकालना है। तो यहाँ सब consider किया है और हमें वही करना है, तो हमें सिंपल एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला लगाना है, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी, स्मॉल जी का फार्मूला क्या है हमें ऑलरेडी डिराइव किया है हमने लास्ट लेक्चर्स में, जी एम इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास दो प्लैनेट है, प्लैनेट ए प्लैनेट बी, तो फॉर प्लैनेट ए के लिए हमें क्या आ जाएगा जी ए फाइंड करना है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर ऑब्जेक्ट ए प्लैनेट ए सॉरी, तो क्या आ जाएगा जी एम फॉर ए डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर, फॉर प्लैनेट बी के लिए क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ बस जी मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर ये आ जाएगा। लेकिन अभी क्या दिया, नाउ हमें क्या दिया है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी का क्या है हाफ है, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट जी बी इज इक्वल टू हाफ जी ए, ये ऑलरेडी हमें दे चुके हैं, ठीक है, तो बस हमें वैल्यू पुट करना है, तो क्या आ जाएगा जी एम पहले हम b का निकालेंगे डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ए, अभी ये 2 times है मतलब डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा तो आर ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से जी जी वैल्यू कट गेट कैंसिल होगी, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बता सकते हैं क्या आ जाएगा हमारा, और ये हमारा आ गया, यहाँ से हमें एम बी का वैल्यू निकालना है, तो एम बी मतलब मास ऑफ बी निकालना है, तो मास ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए मास ऑफ बी फाइंड करना है, तो इसके अपोजिट जो साइड से ये और ये साइड ये ऊपर आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा एम ये जी जे तो गेट कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाएगा एम ए आ जाएगा बस,
और ये इंटू आर बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये छोड़ के जी तो कैंसिल हुआ, तो ये जो रहेगा डिनोमीटर में आ जाएगा टू आर ए स्क्वायर, तो ये हमारी एम बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और क्या हमें गिवन दिया है, और हमें दिया है रेडियस, रेडियस भी हम बताए, तो रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी, ये भी हमें गिवन दिया है। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें गिवन दिए थे, तो अभी क्या करना है, तो हमें वही वैल्यू में पुट करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा मास ऑफ बी, मास ऑफ बी जो था फार्मूला उसमें पुट करना है, आर ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाई टू आर बी निकलना है, तो हम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, यम मास ऑफ ए इंटू आर स्क्वायर बी, वो डिनोमीटर में चेंज हो जाएगा, टू तो ऑलरेडी था, अभी वहां क्या आ जाएगा बीच में आर आर ए की जगह वन बाई टू आर बी आ जाएगा और स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ टू टू गेट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ वन बाई टू है, ये आर बी स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो टू हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा यम बी इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर, आर बी स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यम ए बचेगा और टू बच जाएगा, टू और यम ए बच जाएगा बस, तो यम बी इज इक्वल टू मतलब मास ऑफ बी क्या हो जाएगा ट्वाइस द मास ऑफ ए, तो हमें क्या बोलना, लास्ट में हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, मास ऑफ प्लैनेट बी शुड बी द ट्वाइस दैट ऑफ प्लैनेट ए, ट्वाइस करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है हमें, सी, सी में क्या दिया, देखिए द मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 newton, तो मास दिया है 5 kg और वेट भी दिया है 49 newton एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अर्थ पे दिया है, व्हाट विल बी द देयर वैल्यूज ऑन मून, तो मून पे क्या रहेगा वैल्यू उसके मास और वेट का, एज्यूम दैट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ देयर दैट ऑफ अर्थ, तो क्या करना है, एज्यूम हमें मून की जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 ऑफ अर्थ एक कंसिडर करना है बस। अभी हमें क्या क्या दिया, देखिए हमें दिया है मास, मास को हम यम से डिनोट किए, मास ऑफ अर्थ दिया है, तो मास ऑफ अर्थ क्या दिया है 5 kg, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है वेट, वेट क्या दिया है वेट ऑफ अर्थ दिया है, तो वो कितना है 49 newton, और हमें फाइंड क्या करना है वेट ऑफ मास ऑफ मून फाइंड करना है, कैपिटल एम मून से कंसिडर करेंगे वो भी फाइंड करना है, और वेट ऑफ मून भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये कैपिटल एम से डिनोट करेंगे वेट। ठीक है, अभी पहले देखते हैं, हमें पता है पहले वेट का देखते हैं, वेट का क्या पता है, हमें बोला है 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल दिया है, मतलब वेट में वो भी 1/6 ही रहेगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो क्या निकालेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या आ जाएगा, हमें दिया है वेट ऑफ मून क्या है 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, लेकिन वेट भी वही रहता है वेट ऑफ अर्थ, तो सिंपल है वेट ऑफ मून कितना, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6, वेट ऑफ अर्थ हमें दिया है 49 newton, तो 49 divided by 6 करेंगे 6 × 4 = 8.17 newton आ जाएगा, तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 8.17 newton, यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी उसके बाद हमें फाइंड करें मास ऑफ मून, तो हमें पता है मास कहीं भी जाए, आप कौन सी भी प्लेनेट में जाए, अर्थ में रहे या मून पे रहे सन पे रहे, लेकिन मास कभी भी चेंज होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा, जो अर्थ का मास क्या था 5 kg, वो प्लेनेट कहीं भी चेंज करे उसका मास क्या आ जाएगा 5 kg आएगा, तो मास कभी भी हम कहीं कौन से भी प्लेनेट पे जाए तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, मास ऑफ मून क्या आ गया 5 kg और वेट ऑफ मून क्या आ गया 8.17 newton। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली टू अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 meter दे चुके, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, एज्यूम जी इज इक्वल टू 10 m/s², तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में एक डेरिवेशन देखा था फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए, वही अभी सब यूज करना है, दिस बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले क्या करना है, हम क्या क्या दिया, देखिए पहले हम फाइंड करेंगे फॉर वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड के लिए फाइंड करेंगे, देखिए वर्टिकल अपवर्ड के लिए फाइंड करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यस यस हमें दे चुके हैं, यस इज इक्वल टू क्या दिया है वैल्यू 500 meter दिए है वैल्यू ऑलरेडी, और जी की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, यहाँ देखिए यहाँ क्या रहेगा, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, वही कॉन्सेप्ट है हमारा, नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब
जो एक्सेलेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट टू वेलोसिटी डायरेक्शन है, तो यहाँ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में आ जाएगा। जी का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करने बोला है, तो वो माइनस में वैल्यू लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वो माइनस में आ जाएगा। और यहाँ क्या रहेगा, इनिशियली वेलोसिटी क्या रहेगी, वो कुछ तो रहेगी, लेकिन जैसे 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 वो ऊपर जाएगा, वो स्पेसिफिक पॉइंट पे रुक जाएगा, वहां से नीचे आएगा, तो स्पेसिफिक पॉइंट मतलब वो फाइनल रहेगा, वहां फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, वी इज इक्वल टू जीरो रहेगा। यहाँ क्या पे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अभी यहाँ हमें क्या करना है, ए मतलब क्या है, जी है, जी की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। वी स्क्वायर तो जीरो है, जीरो स्क्वायर आ जाएगा। यू स्क्वायर क्या है हमारा, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। टू, ए का वैल्यू क्या है, -10, और यस का वैल्यू कितना है, 500। तो ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 × 10 × 500 आ जाएगा। तो 2 × 10 20, 20 × 5, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और ये दो ऊपर आ जाए, तो यू इज इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 100, और यू का यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकंड। तो हमारा फर्स्ट जो सब क्वेश्चन था, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड आ गया। अभी हमें टाइम निकालना है, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, फॉर अपवर्ड पोजिशन के लिए एक अलग टाइम रहेगा, और फिर डाउनवर्ड पोजिशन के लिए अलग टाइम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन टाइम डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो फॉर अपवर्ड पोजिशन के लिए हम क्या कहेंगे, लेट टी वन बी द टाइम टेकन टू रीच द सर्टेन हाइट, वो हम कंसिडर करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, टी टी कौन से इक्वेशन में आता है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए, और यहाँ टी वन कंसिडर करें तो टी वन आ जाएगा। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, वी का वैल्यू क्या है, जीरो। यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू हमें पता है, यू का वैल्यू हमने फाइंड किया है ऊपर, 100 प्लस ए, ये तो यहाँ -10 आ जाएगा, और टी वन जो कि हमें फाइंड करना है, तो टी वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, -10 t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ इधर आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। तो टी वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, --100/10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। ये टी वन इज इक्वल टू 10 सेकंड आ गया, लेकिन ये फर्स्ट के लिए आया, फर्स्ट मतलब वर्टिकली अपवर्ड के लिए टाइम टेकन आ गया। अभी वर्टिकली डाउनवर्ड पोजिशन के लिए हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो हम उसके लिए देखिए, वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए क्या आ जाएगा, देखिए वही है, यस इज इक्वल टू 500 मीटर। हाँ, यहाँ जी का वैल्यू क्या रहेगा, एक्सेलेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन सेम है, तो जी के वैल्यू यहाँ प्लस लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या रहता है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वहां क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, इनिशियली पहले वेलोसिटी जीरो रहेगा और फिर बढ़ेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा, ठीक है। तो वही अभी क्या करना है, अभी हम डायरेक्टली फिर से वेलोसिटी नहीं निकालता, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100 मीटर पर सेकंड ही आने वाले हैं, हमें अभी टाइम निकालते हैं। तो डायरेक्ट टाइम निकालने के लिए हम न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at2। तो ये की जगह जी पुट करेंगे, जो कि वैल्यू टी है, तो एस की वैल्यू कितनी है, 500। यू की वैल्यू कितनी है हमारे, जीरो है, तो u × t जीरो आ जाएगा। जी का वैल्यू कितना है, 10, और टी स्क्वायर, और टी का वैल्यू हमें पता है, टी का वैल्यू हमें तो फाइंड करना है, सॉरी टी टी टू कंसिडर करते हैं हम, वहां टी वन कंसिडर करते हैं हम टी टू, तो टी टू स्क्वायर आ जाएगा, तो 10/2 5 आ जाएगा, तो 5t2² इज इक्वल टू 500 आ गया, मतलब t2² इज इक्वल टू 100 आ गया, मतलब t2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया, t2 इज इक्वल टू 10 सेकंड आ गया, और टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, t1 इज इक्वल टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, मतलब टोटल टाइम आएगा अपवर्ड के लिए डाउनवर्ड के लिए 10 प्लस 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 सेकंड लगेगा बोथ के लिए। तो हमारे फाइनल क्या बोलेंगे, सब आंसर क्या, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड आया, और टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 20 सेकंड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते क्या है, एग्जांपल ई देखिए क्या दिया है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड। तो हमें टाइम दिया है, उसके बाद दिया है एज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू हमें एज्यूम करना है 10 मीटर पर सेकंड,
कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल. स्पीड और हाइट दोनों हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले देखिए t इज इक्वल टू 1 सेकंड दिए, ठीक है. उसके बाद g का वैल्यू हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है. तो अभी उसके बाद हमें पता है अभी बॉल क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, वही कंडीशन. ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो रहेगा, बाद में उसका वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है. अभी क्या बोलेंगे, लेट वी बी वेलोसिटी ऑफ बॉल, कहां की बॉल, टू रीचिंग ग्राउंड. रीचिंग ग्राउंड मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है, इसे कंसिडर करेंगे वी इज इक्वल टू. तो हमें वी पता है, वी हमें फाइंड करना है, तो हमें पता है कौन सा फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा है फर्स्ट इक्वेशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है. ये की जगह जी पुट करना है यहाँ, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी आ जाएगा. तो यू की वैल्यू जीरो है और जी की वैल्यू क्या है 10 है और टी की वैल्यू 1 है, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया. ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है. हमें स्पीड पूछा है, कैलकुलेट द स्पीड, तो कैलकुलेट स्पीड क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. अभी हमें क्या पूछा है, हाइट पूछा है, तो हाइट पूछा है, तो लेट हम कंसिडर करें, लेट h बी द हाइट. हाइट किसकी है, हाइट ऑफ टेबल, कहाँ की टेबल की, टू रीच द ग्राउंड, उसके ग्राउंड पे आने के लिए जो टेबल की हाइट हमने h कंसिडर की है. तो अभी सेकंड इक्वेशन कंसिडर करेंगे, न्यूटन सेकंड इक्वेशन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यस मतलब हमें हाइट है टोटल, तो इसको एच फुट करेंगे. यू की वैल्यू हमें पता है, यू की वैल्यू जीरो है, तो जीरो इंटू टी जीरो आ जाएगा, प्लस हाफ ए मतलब जी, जी का वैल्यू 10 आ जाएगा, और टी, टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा. तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 मतलब 5 मीटर आ जाएगा. तो ये हमारा हाइट आ गया. तो फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर हमारा स्पीड क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड, और हाइट ऑफ द टेबल क्या आ गया 5 मीटर आ गया, ठीक है. अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ये अब देखते हैं, हमें क्या दिया है, द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻²⁴ kg एंड 7.4 × 10⁻²⁰ kg, ये हमें दे चुके हैं ऑलरेडी वैल्यू. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ये हमें दिया है आर, जो दोनों का बीच के डिस्टेंस है. तो कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, और जी का वैल्यू हमें दे चुके हैं 6.7 दिया है, 6.7 × 10⁻¹⁰ न्यूटन, ये वैल्यू दिए हमें, ये वैल्यू पुट करना है. देखिए तो हमें पता है इक्वेशन, हमें न्यूटन से लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है, कौन सा है हमें, एफ इज इक्वल टू जी. अभी यहाँ देखिए यमोनियम, तो हमें किस, कौन से दो ऑब्जेक्ट है हमारे, अर्थ है कि मून है, तो मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. अभी बस वैल्यू पुट करना है, जो वैल्यू दिया है हमें वो पुट करना है. जी का वैल्यू क्या है 6.7 × 10⁻¹⁰, मास ऑफ अर्थ वैल्यू क्या है 6 × 10⁻²⁴, मास ऑफ मून क्या दिया है 7.4 × 10⁻²⁰ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब 3.84 × 10⁵ का स्क्वायर, मतलब 3.84 दो बार, और 10⁵ का स्क्वायर मतलब 10⁻¹⁰ आ जाएगा. ये वैल्यू दिया है, अभी डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे. अभी 6 × 7 2 आ जाएगा, 40.2 आ जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. इंटू 7.4 लिखेंगे यहाँ. अभी इंडेक्सेस देखते क्या क्या है, सिंपल है, 10⁻⁶ देखते सभी, 10⁻⁻¹ इंटू 10⁻²⁴, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻³⁰ आ जाएगा, और 10⁻³⁰10⁻³⁰ आ गया, और 10⁻²⁰ आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10⁻³⁰ आ जाएगा, और नीचे क्या है 3.84 / 3.84. अभी यहाँ 10⁻³⁰ है, ऊपर जाके क्या हो गया 10⁻⁻¹ हो गया, तो यहाँ 35 की जगह 25 लिखते हैं डायरेक्ट, तो 10⁻²⁰ अब ये दो डिवाइड करें, ए डिवाइड दो डिवाइड करेंगे, तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर अप्रोक्सीमेटली आया जाएगा 2 × 10⁻²⁰ N, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया. इसके बाद बहुत सिंपल, ये डिवाइड करें, ये दो डिवाइड करें, और 0.00 ऐसे कुछ तो आंसर आएगा 2 में, तो उसका इंडाइसिस आप 10⁻² कैलकुलेट करिए अच्छे से, तो 10⁻²⁰ N ये आ गया, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा लास्ट एग्जाम्पल क्या दिया है हमें, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻²⁴ kg दिया है. द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.5
1.5 इंटरटेरेस्ट्रियल 11 मीटर। तो हमें यहाँ मास ऑफ अर्थ दिया है और रेडियस दिया है आर वन। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 इंटरटेरेस्ट्रियल पावर 22 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है एंड व्हाट इज द मास ऑफ सन, पिछले वाला एग्जाम्पल है, बस हमें क्या करना है यहाँ मास ऑफ सन निकालना है। और यू जी इज इक्वल टू 6.7 इंटरटेरेस्ट्रियल पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, वही फार्मूला हम यूज करना है बस, एफ इज इक्वल टू जी। अभी कौन से दो ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सन, सन दिया है हमें, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सिंपल है। अभी वैल्यू पुट करते हैं, एफ, एफ की वैल्यू क्या दी है हमें, 3.5 इंटू 10 रेस टू पावर 22। अभी जी का वैल्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, 6.7 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10 रेस टू पावर 24। मास ऑफ सन जो कि हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब दोनों का डिस्टेंस दे चुके हैं 1.5 इंटू आर स्क्वायर है, मतलब दो बार लिखना है 1.5, और यहाँ 10 रेस टू 11 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 रेस टू 22 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अभी मास ऑफ सन निकालना है, तो मास ऑफ सन यहाँ लिखते, मास ऑफ सन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.5 इंटू 10 रेस टू पावर 22 इंटू 1.5 दो बार इंटू 10 रेस टू पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.7 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 रेस टू पावर 24। अभी कैलकुलेट करना है, देखिए नीचे यहाँ कैलकुलेट करते क्या है, मास ऑफ सन इज इक्वल टू क्या, देखिए हमें क्या कहते हैं, 3.5 लिखते पहले, 1.5 और 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, तो क्या आ जाएगा 2.25। और 10 रेस्ट पावर एडजस्ट करते, 10 रेस्ट पावर 22, 10 रेस्ट पावर 22, 10 रेस्ट पावर 44 आ गया ऊपर। और नीचे क्या आ रहा है, देखिए 6.7 इंटू 6, तो 6.7 इंटू 7 इंटू 6 42, 4, 6 इंटू 6 40.2 आ गया। और नीचे पावर क्या आ रहा है, 10 रेस्ट पावर माइनस 11 इंटू 10 रेस्ट पावर 14, तो 10 रेस्ट पावर 13 आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, मास ऑफ सन इज इक्वल टू अब कैलकुलेट करेंगे 3.5 इंटू 2.25। अभी 10 रेस्ट पावर 13 ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, 44 माइनस 13, तो 10 रेस्ट पावर 31 आ गया, तो 40.2 आ गया। अभी ये कैलकुलेट करना है, अभी बस सिंपल है, ये कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 1.96 इंटू 10 रेस्ट पावर 30 kg, ये क्या है, मास ऑफ सन है। तो ये आप कैलकुलेट अच्छे से करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका कैलकुलेशन। तो इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर का एक्सरसाइज खत्म होता है, इसी के साथ पूरा चैप्टर हमारे खत्म होते हैं, इस लेक्चर पूरे खत्म होते हैं ग्रेविटेशन लेक्चर के। तो अभी आपने कोई भी लेक्चर पीछे मिस किया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, सभी लिंक दिए हैं मैंने, सभी लेक्चर आप देखिए तो आपको सभी कंसेप्ट पता चलेगा और सभी एक्सरसाइज और सभी प्रॉब्लम पता चलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट में डालिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।